आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोगों के पास जो प्रश्न है वो है सही कथन को चुनो। जो पहला है वो है लार ग्रंथिया मुख गुह के ठीक बाहर स्थित होती है। जो दूसरा है वो है जकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। जो तीसरा है वो है जकृत वाहिका पित्ताशय से उत्पन्न नहीं होती है। जो चौथा है वो है अधिका संकुचक ग्रहिणी में अग्नाशिक एवं पित्तरस के श्राप को निश्चित कर सकता है। तो इसमें से जो पहला विकल्प है वो है ए बी सी डी। जो दूसरा है वो है ए बी डी। जो तीसरा है वो है ए सी डी। जो है चौथा है ए बी सी। तो जैसे कि प्रश्न पढ़ के हम लोगों को पता चल रहा है कि जो लार ग्रंथियां है वो हम लोगों के मुख गुह की ठीक बाहर स्थित नहीं होती है, मुख गुह की अंदर स्थित होती है। ठीक है, तो जो पहला वाला जो विकल्प है वो नहीं हो सकता। तो अब क्या बचा है? जो दूसरा है वो है जकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो तीसरा है वो है जकृत वाहिका पित्ताशय से उत्पन्न नहीं होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो बचा है वो है अधिका संकुचक ग्रहिणी में अग्नाशिक एवं पित्तरस के श्राप को निश्चित कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इन चारों विकल्प से हम लोगों के पास अभी पता चल चुका है कि सही चुनाव कौन सा हो सकता है, तो वो है बी सी डी। ठीक है, ये होगा हम लोगों का सही चुनाव। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।